Hello everyone, today I am going to start operations on matrix. Now, अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला है कि एडिशन. पहला कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है मैट्रिक्स में? एडिशन. दूसरा सब्ट्रैक्शन. तीसरा मल्टीप्लिकेशन. ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं मैट्रिसेस में, यानी एडिशन ऑफ टू आर मोर मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू आर मोर मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन. तीसरा ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में दो पार्ट होते हैं. पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ अ मैट्रिक्स. एंड सेकेंड वन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. यानी इतने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कहां पर? मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स में पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है? एडिशन. दूसरा सब्ट्रैक्शन. और तीसरा हम डिस्कस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन. और मल्टीप्लिकेशन में भी दो सब पार्ट होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ओके, नाउ कम ऑन, फर्स्ट पॉइंट एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स. अब हम डिस्कस करते हैं दो मैट्रिक्स, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं. क्लियर है? तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि एडिशन, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स अगर ऐड करने हैं तो उनके ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर शुड बी सेम, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, शुड बी सेम. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स ना तो ऐड होंगी ना ही सब्ट्रैक्ट होंगी. क्लियर? पहली बात. दूसरी बात, इसमें मैट्रिक्स एडिशन में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर असली में क्या होता है मैट्रिक्स एडिशन में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमेंट वाइज होता है. ये एलिमेंट वाइज, दैट मींस एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिपेंड करता है एलिमेंट्स पर, नॉट रो एंड कॉलम पर. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक मैट्रिक्स हमने 2-3-5 लिया, दूसरा 6-5-8, और एक दूसरी मैट्रिक्स लिया 8-5-6-9. तो क्या ए और बी पॉसिबल, ए प्लस बी पॉसिबल है, ये हम चेक करते हैं. तो इसमें देखा है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3 और सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2. देयर ऑर्डर आर नॉट सेम, उनके ऑर्डर क्या है? सेम नहीं है, इसलिए ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल. क्या है? पॉसिबल नहीं है. ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है तो देन ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. इफ ए हम यही लेते हैं 2-3-5-6-5-8 एंड अनदर मैट्रिक्स बी हमने लिया 3-5-6-0-2-5. नाउ ऐड करें अगर हम ए प्लस बी. एडिशन का पहला रूल क्या है कि ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो यहां इस वाले मैट्रिक्स का देखिए ऑर्डर 2x3 है
और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x3 है, ऑर्डर तो सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो चले ऑर्डर ऐड करके देखे क्या रिजल्ट मिलता है। अब बिना ऐड करे हम इनका ऑर्डर भी जान सकते कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वही ऑर्डर होगा जो ए का होगा और बी का होगा। चेक करके देखते हैं तो इसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या सबट्रैक्ट होते हैं, यानी A11 वाला एलिमेंट इधर वाले A11 से ही ऐड होगा। यानी पहले नंबर पे यहां 2 है, यहां पर -3, यानी 2 में अगर हम -3 ऐड करेंगे तो आएगा -1। दूसरा -3 और -5 हो गया -8, -5 और +6 हो गया +1, 6 + 0 = 6, 5 + 2 = 7, 8 + 5 = 17। ऑर्डर क्या हुआ रिजल्टेंट का भी 2x3। तो एक चीज हमने देखा कि जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे उसी ऑर्डर का उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी मिलेगा। कब? जब हम उन्हें ऐड करेंगे। क्लियर ना? अब हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्मेंस दोनों सेम होती है, पूरी क्राइटेरिया उनकी सेम होती है। जिस बेसिस पर हम एडिशन करते हैं उसी बेसिस पर हम मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि सब्ट्रैक्शन, यहां पर टू मैट्रिसेस की बात करें सब्ट्रैक्शन, तो उसमें भी ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, आर सब्ट्रैक्टेड, क्या होने चाहिए, आपस में सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो चले देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक मैट्रिक्स ए है, वही 2x3 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स बी है 2x2 ऑर्डर का, तो क्या a-b पॉसिबल है? चेक करिए a-b, तो देखा जाए यहां भी ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये a-b इज नॉट पॉसिबल। क्या हुआ? नॉट पॉसिबल। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, a-b इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में, यहां ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्ट करें अगर हम ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए में से टू में से माइनस कर रहे हैं -3 को, समझिए पहले टू में माइनस कर रहे हैं -3 को, तो हो गया 2+3 दैट मींस 5। अब ओरली बात करें -3 - -+5 हो गया ये, तो -3 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5 तो हो जाएगा +2। -5 और -6 - 11, 6 - 0 = 6, 5 - 2 = 3, 8 - 5 = 3, और ऑर्डर वही मिलेगा जो इन दो मैट्रिसेस का। तो जैसे एडिशन को फॉलो करते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स होते हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको टू मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द मल्टीप्लीकेशन। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, और उसमें भी हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। इफ वी टेक अ मैट्रिक्स ए बी ए ए आई जे इंटू एम क्रॉस एन, अगर हम एम क्रॉस एन है, if we multiply a scalar lambda to this matrix, that means lambda a, it becomes lambda a i j m cross n। scalar matlab yahan kehne ka matlab kisi bhi constant number se agar hum kisi matrix mein multiply karte hain to matrix ke har element se multiply ho jata hai। kehne ka sirf ek example lete hain, example a matrix a 2 3 5
9845 इफ वी फाइंड 5a हियर लैम्डा इज 5 अगर हम 5 का इनटू कर रहे हैं 5a निकाल रहे हैं यानी किसी मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा ये कांस्टेंट सब में इनटू होगा ईच एलिमेंट में हर एलिमेंट में इनटू होगा दैट मींस 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 5 जा 25 5 9 जा 45 एक और मैट्रिक्स लेते हैं मैट्रिक्स बी 0 1 3 2 -1 7 इसमें हम निकालते हैं नाउ 3b अगर हम 3b निकालें यानी मैट्रिक्स बी में 3 का इंटू कर रहे हैं तो ईच एलिमेंट में वो इंटू होगा देन मीन 3 0 0 3 1 3 3 3 9 3 2 6 -3 21 अगर हम इसी क्वेश्चन को और बढ़ा दें आपसे पूछा जाए फाइंड 5a माइनस 3b इफ मैट्रिक्स ए इज दिस एंड मैट्रिक्स बी इज दिस फाइंड 5a माइनस 3b तो दैट मीन्स पहले आप मैट्रिक्स ए में 5 का इंटू करेंगे और मैट्रिक्स बी में 3 का इंटू करेंगे जो रिजल्टेंट आएगा फिर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट क्लियर ओके नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस अब हम ये डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जैसे एडिशन एलिमेंट वाइज होता है वैसे ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन रो एंड कॉलम वाइज होता है चलिए डिस्कस करते हैं इसमें कि इफ अ टेक मैट्रिक्स ए ए क्या है 5 9 6 3 2 1 एक मैट्रिक्स हमने ये लिया और अनदर मैट्रिक्स 8 2 5 9 6 7 तो देखा जाए पहला मैट्रिक्स हमने लिया 2x3 का और दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने 3x2 का चेक कर रहे हैं कि a इंटू बी और दूसरा b इंटू ए पॉसिबल है या नहीं a इंटू बी फर्स्ट पॉइंट पर क्या लिखा a देन सेकेंड पे क्या है हमारा b यहां पर फर्स्ट पे क्या है b और सेकेंड पे a है तो देखिए a इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं a इंटू बी यानी पहले a आया फिर b आया तो इस बेसिस पे अगर हमें चेक करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं तो आप ध्यान से देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में जो लास्ट जहां पर इंड होता है यानी कॉलम कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो देखा जाए ए का जो कॉलम है वो बी के रो के बराबर है तो ए इंटू बी इज अ पॉसिबल ए और बी पॉसिबल है अब बी इंटू ए देखा जाए तो बी में अब ये बी वाला पहले है और ए वाला बाद में तो बी वाला पहले तो इसका लास्ट में हम देखेंगे ये क्या है टू पे खत्म हो रहा है तो ये टू से स्टार्ट होना चाहिए है दूसरे स्टार्ट तो बी इंटू ए भी पॉसिबल है क्लियर है तो कहने का सेंस है कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जो पहले नंबर पे आए मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल हो सेकेंड पोजीशन वाले मैट्रिक्स के रो के अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है अदरवाइज पॉसिबल नहीं है क्लियर वन ना एक और एग्जांपल हम लेते हैं मैट्रिक्स ए हमने लिया 2 3 5 7 9 3 और दूसरा मैट्रिक्स लिया बी 8 2 6 3 ये हमारा 2x3 का ये हमारा 2x2 का तो देखें a इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं है चेक करिए a इंटू बी पॉसिबल या a इंटू बी आएगा कि नहीं आएगा तो देखा जाए पहले वाले का कॉलम क्या है 3 है और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है b का नंबर ऑफ रो क्या है 2 है इट इज नॉट इक्वल ये दोनों इक्वल नहीं है तो a इंटू बी इज नॉट पॉसिबल Not possible. और b into a की बात करें अगर हम b into a तो देखें
तो बी अब पहले आ रहा है, इसमें कॉलम कितने, टू, और इसका रो कितना है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका पहला रो ठीक इसका है टू, सेम, तो बी इंटू ए पॉसिबल है। क्लियर है? एक चीज और यहां पर अगर हम ध्यान दें, अच्छा पॉसिबल अगर है, जैसे यहां पर बी इंटू ए पॉसिबल है और ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल, ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए 3 6 2 5 7 9, दूसरा बी लिया हमने 3 9 6 5 8 2 8 -7 -6, तो चेक करते पहले ए इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं, तो फर्स्ट वाले रो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो देखा जाए a इंटू बी, यानी पहले नंबर पे a आया, a का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, और दूसरे नंबर पे b आया तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, दीज आर इक्वल, तो देन a इंटू बी पॉसिबल है। अब a इंटू बी पॉसिबल है तो चले इंटू कर लेते हैं, क्या आता है इंटू करने के बाद, अब हम ये भी देख लेते हैं, ए इंटू बी इंटू कर रहे हैं, लेकिन बिना इंटू किए हुए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हम ऑर्डर पहले ही से बता सकते हैं कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो पहले वाले का जो ये बच गया रो, पहले वाले मैट्रिक्स के कितने रो हैं, 2 है, क्योंकि पहले नंबर पे यही है 2, और दूसरे नंबर पर जो मैट्रिक्स है उसके और कॉलम कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का रिजल्ट मिलेगा यहां पर, यानी रिजल्टेड मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का होगा। यह भी क्लियर हो गया, तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम के इक्वल का रिजल्टेड मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्लियर है? तो चले इंटू करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स डिपेंड करता है रो और कॉलम के बेसिस पर, तो पहले वाले मैट्रिक्स का हम हमेशा रो लेके चलते हैं, 1 बाय 1 एक एक रो लेके चलते हैं और 1 बाय 1 कॉलम से इंटू करते जाते हैं, जैसे पहले का ये रो लिया और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पकड़ा पहले कॉलम, पोजीशन पहला रो पहला कॉलम यहां लिखा जाएगा, क्योंकि पोजीशन क्या है A11, पहला रो पहला कॉलम की सारी चीजें यहां लिखी जाएंगी, 3 3 9, 6 5 30 प्लस में करते चले जाइए, 2 8 16, क्लियर? दूसरा पहला रो, अभी पहला कॉलम तो हो गया, अब पहला रो दूसरा कॉलम पकड़ें, एक एक कॉलम को पकड़ते जाएं, पहला रो है दूसरा कॉलम यहां लिखा जाएगा, 3 9 27, 6 8 48, और 2 × -7 -14, पहला रो दूसरा कॉलम हो गया, अब पहला रो तीसरा कॉलम, जब तक सारे कॉलम खत्म नहीं होंगे रो चेंज नहीं करेंगे हम, तो ये कहां लिखा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहां लिखा जाएगा, 3 6 18, 6 2 12, 2 6 12, चलिए पहला रो चौथा कॉलम तो है नहीं, तो अब पहले रो का काम खत्म हो गया, सिमिलरली हम सेकेंड रो को पकड़ेंगे और 1 बाय 1 हर कॉलम से इंटू करेंगे, जैसे अब हमने सेकेंड रो पकड़ा फर्स्ट कॉलम से, 5 3 15, 7 5 35, 9 8 72, 5 9 45, 7 8 56, माइनस, अब वही सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में यहां लिखा जाएगा 5 6 ठीक है, तो रिजल्टेंट यहां पर क्या आया, रिजल्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, रिजल्ट यहां लिख दे रहा हूं मैं, क्या है ये
अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 55 इसे ऐड किया, अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना आएगा, आप ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लिए और रिजल्ट गेन करिए, 27 ऐड होगा 48 के साथ और माइनस 14, तो हमने क्या देखा रिजल्टेंट में क्या आ रहा है यहां, 2×3। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, रब करें इसे, एक मैट्रिक्स हमने लिया A 1 3 5 और अनदर मैट्रिक्स लिया -2 0 1 -1। तो चलिए A इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं पहले चेक कर ले, तब तो फाइंड आउट करें, क्योंकि पहला वाला मैट्रिक्स है 1×3 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स है 3×1 ऑर्डर का, तो जहां ये खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, चेक करते हैं। और B इंटू ए की बात करें, B इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं है, B इंटू ए देखा जाए तो B नंबर ये है पहले और A देखा जाए तो ये, तो B इंटू ए इज ऑल्सो पॉसिबल। तो चले हम इसमें दोनों निकालते हैं, A इंटू बी और B इंटू ए, तो पहले A इंटू बी निकालते हैं, मिलेगा क्या, अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, 1×1 का मिल रहा है, यानी एक ही एलिमेंट मिलेगा, करके देखते हैं, पहला रो पकड़ा पहले कॉलम से, यहीं पे लिखेंगे -2 0 -5, दूसरा कुछ मिला ही नहीं, तो आया कितना -7, ये आया 1×1 का एक सिंगलटन मैट्रिक्स मिला। अगर हम बी इंटू ए निकाले, बी इंटू ए बी पहले लिखा -2 0 -1 और ए लिखा बाद में 1 3 5, तो देखते रिजल्टेंट क्या मिलता है, बी इंटू ए तो पॉसिबल है लेकिन रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये देखते, ये है हमारा 3×1 का और ये 1×3 का, तो रिजल्टेंट पक्का मिलेगा 3×3 एलिमेंट, क्या मिलेगा 3×3 का मिलता है, देखते हैं इंटू करके, पहला रो ये हमने पकड़ा और पहले कॉलम से -2 1 -2, पहला रो में, पहला कॉलम में और कोई एलिमेंट है नहीं, अब रो में भी और कुछ नहीं है, तो अब आ गए हम दूसरे रो में, इसमें आ गए दूसरे रो में, चलिए सॉरी पहला रो अब दूसरे कॉलम में आया तो ये आ गया -6, पहला रो तीसरा कॉलम -10, दूसरा रो पहला कॉलम 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 0, फिर इसी तरह -1 -3 -5, तो रिजल्टेंट आपका क्या मिला, 3×3 एलिमेंट्स का हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट हुआ। अब तो सिंपल वे में अगर हम बात करें कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब करते हैं हम, तो पहली चीज पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, एंड द ऑर्डर ऑफ अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स डिपेंड ऑन रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, क्लियर। चलिए इसे सिंबोलिक फॉर्म में अगर हम समझे तो इफ वी टेक टू मैट्रिसेस, वी टेक टू मैट्रिसेस ए ए आई जे एम इंटू एन एंड बी 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 आई जे आर इंटू बी, ए डॉट बी इज द पॉसिबल इफ इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल होना चाहिए आर के, एंड ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू होगा एम क्रॉस पी का, पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम के ऑर्डर का रिजल्ट मिलेगा, क्लियर है, ओके okay?